दोस्तों, इस ब्रह्मांड, इस धरती और इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका अंत न हो। जिस किसी भी चीज का निर्माण इस ब्रह्मांड, इस धरती और इस दुनिया में हुआ है, उसका अंत भी एक न एक दिन जरूर होगा, और यही प्रकृति का नियम है। ठीक इसी तरह अगर हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ है तो इसका अंत भी एक न एक दिन जरूर होगा, परंतु कब, आखिर कब हमारी पृथ्वी का अंत होगा? दोस्तों, ये सटीक रूप से तो कोई नहीं बता सकता है कि धरती का अंत कब होगा, परंतु प्रकृति के नियमानुसार धरती का अंत तो तय ही है और ये कभी भी हो सकता है। लेकिन समय समय पर कई ऐसी सभ्यताओं और धर्मों में पृथ्वी के अंत को लेकर कई ऐसी भविष्यवाणियां की गई हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि पृथ्वी का अंत कब होगा। हालांकि ये भविष्यवाणियां आज तक तो झूठ ही साबित हुई हैं, पर ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कोई एक भविष्यवाणी भविष्य में सही साबित हो जाए। तो चलिए आपको बताते हैं उन भविष्यवाणियों को जो पृथ्वी के अंत की तरफ इशारा करती हैं। नंबर 1, माया सभ्यता द्वारा की गई भविष्यवाणी। दोस्तों, माया सभ्यता नॉर्थ अमेरिका की एक प्राचीन सभ्यता थी जिसकी शुरुआत आज से 1500 ईसा पूर्व मानी जाती है, और ऐसा कहा जाता है कि माया सभ्यता को खगोल विज्ञान का बहुत अच्छा ज्ञान था, क्योंकि प्राचीन समय में माया सभ्यता द्वारा अंतरिक्ष से जुड़ी कई ऐसी भविष्यवाणियां की गई थी जो समय समय पर पूरी तरह से सही साबित हुई थी। इसलिए जब माया सभ्यता द्वारा बनाए गए कैलेंडर को देखा गया तो उसमें 21 दिसंबर 2012 के बाद की तिथि का कोई वर्णन ही नहीं मिला। यानी माया सभ्यता के मुताबिक 21 दिसंबर 2012 को धरती का अंत तय था, और उस समय लोगों ने भी इस बात को सच मान लिया था कि 21 दिसंबर 2012 के बाद धरती पर प्रलय आएगा और इंसानियत के साथ साथ धरती पर मौजूद दूसरे जीवों का भी अंत हो जाएगा। उस समय इस बात को लेकर 2012 नाम से एक हॉलीवुड मूवी भी बनाई गई थी जिसने इस बात को और भी हवा दे दी, और लोग इतने डर गए थे कि मानो अब धरती का अंत तय है। पर जैसे ही 22 दिसंबर 2012 का दिन लगा तो ये भविष्यवाणी झूठी साबित हो गई। नंबर 2, मिंग चैन। दोस्तों, मिंग चैन ताइवान के धार्मिक गुरु थे और इन्होंने भी धरती के अंत को लेकर एक भविष्यवाणी की थी। इन्होंने ईसाई और बौद्ध धर्म को आधार मानकर कहा था कि जब धरती पर पाप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तब 25 मार्च 1988 को भगवान खुद धरती पर आएंगे और इंसानों को अपने किए गए पापों की सजा, इंसानियत का विनाश करके देंगे। दोस्तों, मिंग चैन की इस भविष्यवाणी के दिन जैसे जैसे नजदीक आने लगे वैसे वैसे इस बात की खबर उस समय न्यूज़पेपर में भी सपने लगी। वर्ष 1988 के लगभग सभी न्यूज़पेपर इसी खबर से भरे पड़े थे कि 25 मार्च 1988 को धरती का अंत होने वाला है, और जैसे जैसे 25 मार्च का दिन नजदीक आने लगा वैसे वैसे लोग भी अपने काम को छोड़ छाड़ कर अपनी अंतिम इच्छा पूरी करने में लग चुके थे। परंतु जब 25 मार्च 1988 का दिन आया तब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। भविष्यवाणी के मुताबिक 25 मार्च को धरती का अंत था, पर उस समय ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये भविष्यवाणी भी उस समय झूठी साबित हुई। नंबर 3, एंड टाइम प्रोफेसी संस्था द्वारा की गई भविष्यवाणी। दोस्तों, इस संस्था ने 29 जुलाई 2016 को धरती के अंत का दिन कहा था, जिसके अनुसार 29 जुलाई 2016 को धरती पर महाप्रलय होगा, क्योंकि 29 जुलाई 2016 को धरती के चुंबकीय ध्रुव पलटने लगेंगे जिस कारण धरती पर कई सारी आपदाएं आना शुरू हो जाएंगी, और इन आपदाओं के दौरान धरती से एक उल्कापिंड भी टकराएगा जिससे पूरी धरती पर विनाश लीला फैल जाएगी और धरती का अंत हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, उस समय यह भविष्यवाणी भी गलत साबित हुई, क्योंकि अब 29 जुलाई 2016 भी जा चुका है और आज भी दुनिया वैसे ही चल रही है जैसे कि 29 जुलाई 2016 से पहले चल रही थी। नंबर 4, न्यूटन की भविष्यवाणी। दोस्तों, धरती के अंत को लेकर फादर ऑफ मॉडर्न साइंस के जनक कहे जाने वाले न्यूटन ने भी एक भविष्यवाणी दी थी। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार 2060 में धरती का अंत हो जाएगा। दोस्तों, न्यूटन ने यह भविष्यवाणी ऐसे ही नहीं दी, बल्कि न्यूटन की इस भविष्यवाणी के पीछे एक फॉर्मूला छिपा हुआ था जो कि ये सिद्ध करता है कि 2060 में धरती का अंत हो जाएगा। दरअसल दोस्तों, न्यूटन ने 1704 में एक नोट लिखा था जिसमें लिखा गया है कि एक समय ऐसा आएगा कि जब पृथ्वी के घूमने की गति बदल जाएगी जिससे दिन और रात आधे हो जाएंगे, और साल 2060 के बाद पृथ्वी पर समय बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, और जिस कारण 2060 में धरती का अंत हो जाएगा। दोस्तों, न्यूटन ने अपनी इस भविष्यवाणी का आधार ग्रेविटी और दूसरे ग्रहों को भी बनाया था। अब दोस्तों, न्यूटन की ये भविष्यवाणी किस हद तक सही साबित होती है
ये तो हमें आने वाला समय ही बताएगा। नंबर 5, नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी। दोस्तों, नास्त्रेदमस को भविष्यवाणियों का पितामह कहा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा की गई अधिकतर भविष्यवाणियां सच ही साबित हुई हैं। दोस्तों, नास्त्रेदमस ने भी धरती के अंत को लेकर एक भविष्यवाणी की थी। इनके अनुसार 5080 में धरती का अंत हो जाएगा, क्योंकि उस समय एक बहुत बड़ा उल्कापिंड धरती से टकरा जाएगा, जिससे धरती पर महाप्रलय होगा और इंसानों के साथ साथ धरती पर रहने वाले अन्य जीवों का भी अंत हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, महान वैज्ञानिक स्टीफन विलियन हॉकिन ने भी धरती के अंत का दावा किया था और कहा था कि मानव जाति अधिकतम 1000 साल तक ही धरती पर जीवित रह सकती है, क्योंकि 1000 साल बाद धरती का अंत हो जाएगा। इसलिए हम इंसानों को अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए किसी अन्य ग्रह पर बस्तियां बसानी होगी, अन्यथा 1000 साल बाद हम इंसानों का अंत तय है। तो दोस्तों, यह थी समय समय पर की गई धरती के अंत को लेकर भविष्यवाणियां। इनमें से कुछ की तिथि तो बीत चुकी है और कुछ की अभी बाकी है, पर कल क्या हो जाए ये कोई नहीं बता सकता है। कल का सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे और सच्चाई के मार्ग पर चलते रहे। धन्यवाद।